सो गाइस कुछ इस टाइप के रील्स वीडियो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे एक में जो है 37 मिलियन है, इसे क्लिक करके देख लेता हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ लाइक ही 2.2 मिलियन है। इतना ज़्यादा व्यूज आ जाए हमारे में तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर इसमें जो टेक्स्ट यूज हुआ है वो जो है दूसरे टाइप का है, और मैं जो टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ वो जो है मैं क्रिएट किया हूँ, इसलिए जो है दूसरे टाइप का है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कि इस टाइप का टेक्स्ट यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में जाओ, मोबाइल में जाने के बाद यहाँ पर VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना। VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करना और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना और ये वाले टेक्स्ट वीडियो को जो है ऐड कर लेना। यह वाला टेक्स्ट वीडियो को डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, तो वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा कि इस टेक्स्ट वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा लिंक, तो वीडियो का लास्ट पार्ट देख लेना एक बार। सो गाइज अब यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो, कुछ इस टाइप का टेक्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पर जो है प्ले करके देख लेना। अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जाना तो यहाँ पर जो है एक ऑटोमेटिक पेज क्रिएट होता है, उसे जो है क्लिक करना और डिलीट का आइकन होता है, डिलीट लिखा हुआ होता है, उसे क्लिक कर देना, जिससे कि यह डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट वीडियो में एक म्यूजिक होगा, उस म्यूजिक को म्यूट करना है, तो यहाँ पर साइड में देख रहे हो कि माइक वाला आइकॉन होता है ये वाला, उसे जो है क्लिक कर देना, जिससे कि इसका म्यूजिक जो है म्यूट हो जाएगा। यहाँ पर म्यूट हो चुका है, देख रहे होंगे। अब वीडियो के लास्ट में जाना, प्लस का आइकॉन है, प्लस के आइकॉन को क्लिक करना, वीडियो फोटो के ऑप्शन को जो है क्लिक करना और यहाँ पर वीडियो के सेक्शन खुल जाता है, तो फोटो के सेक्शन में जाना और यहाँ पर अपने फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर फोल्डर में चले जाता हूँ, जिन सब फोल्डर में होगा उन सब फोल्डर में चले जाना। ये वाले फोल्डर में था एक मॉडल का पिक, तो उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर ये वाले पिक को जो है मैं सिलेक्ट करूँगा, तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने पिक को जो है सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर एरो का आइकॉन आता है, उसे क्लिक करना। यहाँ पर फोटो जो है ऐड हो चुका है, देख सकते हो। अपने फोटो को जो है एक बार फिर से क्लिक करना और इसके लेंथ को जो है बढ़ा देना, जिससे कि सेकेंड बढ़ जाएगा, तो लगभग 20-21 सेकेंड तक बढ़ा लेना, कुछ इस टाइप से। वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है, इसके बाद यहाँ पर जो है म्यूजिक का आइकॉन होगा ये वाला, इसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन आ जाता है, तो इसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद प्लस का आइकॉन आता है, तो प्लस के आइकॉन को भी क्लिक करना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करना और ये वाले वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस वीडियो को डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, तो वीडियो को लास्ट पार्ट देख लेना और ओके को क्लिक कर देना, जिससे कि यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में आ जाएगा यही वाला म्यूजिक, उसे क्लिक करना और राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना, तो यहाँ पर म्यूजिक ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। तो म्यूजिक बज रहा होगा, मैं जो है म्यूट कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है इसलिए। सो गाइस कुछ इस टाइप से जो है म्यूजिक प्ले होगा। अब यहाँ पर अपने फोटो के पास जो है इफेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे जो है क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जूम लिखा होगा, उसे क्लिक करना। नीचे में ड्यूरेशन का ऑप्शन होता है, तो ड्यूरेशन को जो है 1.7 रख लेना, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर 1.7 रखने के बाद यहाँ पर नीचे में राइट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे जो है क्लिक कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है म्यूजिक के जितना म्यूजिक है उतना जो है वीडियो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जो है इसके अपने फ़ोटो को जो है कुछ इस टाइप से छोटा कर दूंगा मैं। यहाँ पर जो है अब अपने फ़ोटो के सेंटर में जाऊँगा, इसके बाद यहाँ पर नीचे में स्प्लिट नाम का ऑप्शन होता है, स्प्लिट को क्लिक करूँगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से सेंटर में जाना, इसके बाद यहाँ पर स्प्लिट को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर पहले वाले में जाना, पहले वाले में जाने के बाद यहाँ पर जो है जूम में चले जाना, यहाँ पर जूम इफेक्ट होता है उसमें चले जाना और यहाँ पर जो है लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन होता है, तो मैं जूम को करता हूँ। इसके बाद दूसरे में चले जाऊँगा, फिर से जूम को क्लिक करूँगा, अब जूम आउट को कर दूँगा, इसके बाद राइट के आइकन को क्लिक कर दूँगा। तो आप कोई सा भी कर लेना, यहाँ पर लेफ्ट राइट भी होता है, तो कुछ इस टाइप से इफेक्ट जो है क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर बढ़िया दिख रहा है, तो यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में जाएंगे, एक बार जो है प्ले करके देख लेना कुछ इस टाइप से। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पर जो है ऊपर में एक्सपोर्ट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, एक्सपोर्ट लिखा होता है वैसे, तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना, राइट का आइकॉन होगा उसे क्लिक कर देना, जिससे कि यह जो है कुछ ही सेकेंड में एक्सपोर्ट हो जाएगा अपने फ़ोन में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है एक लाइक कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर दो, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करो, क्योंकि 100 के बिल्कुल नज़दीक हैं। सो गाइज अब यहाँ पर रील्स में यूजेड मटेरियल को डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि टेक्स्ट वीडियो को और यहाँ पर म्यूजिक वाली वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है ये जान लेते हैं।